नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में गुरुवार को प्रदेश के लिए अपना दृष्टिकोण रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपार संभावना है, नौजवानों के भविष्य के लिए रोजगार के मौके पैदा करने होंगे। इसके लिए उद्योगीकरण को बढ़ावा देना होगा। बिजली की उपलब्धता है पर इसे स्टोर करने का कोई साधन नहीं है। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुविधा के लिए ड्राइवर के पीछे वाली पहली सीट नवजात शिशु की मां के लिए आरक्षित की गई है। सीट के तीन तरफ पर्दे लगे होना जरूरी है। वहीं महिलाओं के लिए 11 नवंबर से 16 नवंबर तक की 6 सीट आरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विधानसभा में यह लिखित जानकारी दी। मध्य प्रदेश के रतलाम के जावरा में बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर 8 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस पूरे खेल को भोपाल के निलंबित लेक्चरर और उसकी पत्नी समेत दो अन्य लोगों ने अंजाम दिया है। खबर है कि खुद को मुख्यमंत्री का सचिव और पत्नी को सीएम दफ्तर की क्लर्क बताकर भोपाल के निलंबित लेक्चरर ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर जावरा, मंसूर, रतलाम और नागदा के बेरोजगारों से रकम ऐंठी थी। मध्य प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष जहां सड़क से लेकर सदन तक सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है, वहीं पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 महीनों के भीतर प्रदेश में संगीन अपराधों में कमी आई है। इस अवधि में डकैती जैसी वारदातों में 56% कमी का दावा किया गया। वहीं विपक्ष का आरोप है कि थानों में प्रकरण दर्ज नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और मशहूर कबीर भजन गायक प्रहलाद टिपानिया की कार दुर्घटना का शिकार हो गई। टिपानिया इंदौर से भोपाल जा रहे थे, हाईवे पर ही यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में ड्राइवर सहित 3 लोग गंभीर जख्मी हो गए। भोपाल नगर निगम द्वारा एमपी नगर में अतिक्रमण कर वर्षों से जमी गुमटियां हटाए जाने के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने गुरुवार को शब्दों की मर्यादा तोड़ दी। उन्होंने गुमटियां हटाने और जुग्गीवासियों को मिल रहे भारी बिजली बिल को लेकर रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। यहां से वे लोगों के हुजूम के साथ विधानसभा का घेराव करने निकले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ये न्यूज़ टीवी के साथ। नमस्कार।